चलो वैसे हम सब यार फिर से तुम्हारा नए वीडियो में दोस्तों। आज वाले वीडियो में मैं आपसे बता रहा कि आपने माइनक्राफ्ट से पॉल रिलीजन में डैमेज बट गिव्स यू ओपी आइटम्स वाला मॉड से डाउनलोड पाए। मतलब आप जब भी इस मॉड पे डैमेज लोगे तो आपको तो जो ओपी ओपी आइटम्स मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा आप बस ये वीडियो जो पूरा शुरू से लेते हैं एंड तक देखना है। अगर आप शुरू से एंड तक नहीं देते तो आप तो ये जो है नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें एक चीज है जो आप तो करना पड़ेगा। आप तो जब वर्ल्ड क्रिएट हो जाए तब भी, मतलब आप तो जब वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा तब भी आप इसमें जो डैमेज लोगे तो आपको कुछ भी ओपी आइटम्स नहीं मिलने वाला। बट आपको एक चीज़ करना पड़ेगा जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तभी आपको जो ओपी आइटम्स मिलेगा। इसलिए इस वीडियो जो है शुरू से लेते एंड तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर डैमेज ले रहा हूँ, एक छोटा डैमेज लिया, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिला, सल्तर बॉक्स, ठीक है। इसमें मैं कोई भी अपना आइटम्स को स्टोर कर सकता हूँ। और अगर मैं ऐसी तरह से जो यहाँ पे डैमेज लेते रहा तो मुझे कुछ ना कुछ जो ओपी ओपी आइटम्स मिलते रहेंगे। तभी देखिए यहाँ पे कोई पोशन मिला, पता नहीं क्या चीज़ था पोशन है। ओ भाई साहब हार्मिंग, मतलब पता नहीं क्या चीज़ देखिए मुझे डैमेज मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे कुछ ना कुछ मतलब आइटम्स मिलते रह रहे हैं। अब मैं शायद यहाँ पे हाफ हर्ट में रह जाऊंगा। और यहाँ पे मैंने रीजनरेशन तो पोशन तो लगा लिया, बट अब ये कौन सा पोशन है मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं क्या क्या मुझे पोशन मिलते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मुझे एक बेड रॉक मिला है, और यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, और मेरा इन्वेंट्री में भी कुछ ना कुछ है, पिन डाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसी तरह रहता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे भी स्लोनेस का पोशन भी मिल चुका है, ठीक है। तो मैं देखिए आपको दिखा देती हूँ आपको इसमें आइटम्स तो मिल रहे हैं, तो मैं तो बता भी देता हूँ कि आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सॉलिड हो तो मेरे से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो एक मीडिया फाइल का लिंक है। तो आप जैसे उस लिंक में क्लिक करोगे तो आपने सामने क्या उनसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपने सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाता है तो क्या करना है, इसमें जो डाउनलोड सेशन है आप तो इसमें से क्लिक करते इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए मेरा भी जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है थोड़ा फ्यू सेकंड्स लगेंगे आपसे जो डाउनलोड भी हो जाएगा। सॉलिड हो तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड भी हो चुका है। तो आपको जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, आप तो इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसमें यहाँ से आप जैसे हटाओगे तो आपको क्या करना है, आपको अपना फाइल मैनेजर तो जो है ओपन करना है। तो चलिए मैं भी अपना डायरेक्ट फाइल मैनेजर में जाता हूँ। सॉलिड तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर जो है ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे डाउनलोड्स वाले सेक्शन में यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा जिप ऐप, जिप ऐप नहीं सॉरी जिप फाइल, डैमेज इज इक्वल टू जिप सॉरी डैमेज आइटम्स बाई बॉनी 162 MCPATH जिप, ठीक है। आपको ऐसा जो दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, आप इसे जो होल्ड करते रहना है। होल्ड करते रहने के बाद आपसे इधर देखिए मोर का ऑप्शन है, आपको मोर में क्लिक करना है। फिर आपसे जो है रीनेम का ऑप्शन है, आप इसमें जो है रीनेम में क्लिक करते हैं। आपसे जो इधर जिप लिखा है इसको जो है कट कर देना है, जिप और डॉट को जो है कट कर देना है। सो इसे जो ओके कर देना है, ओके करने के बाद आपसे जो है इसे भी ओके कर देना है। फिर आपसे देखिए ये जो है एक फाइल बन जाएगा, वो एक फोल्डर था, ये आपका जो है फाइल बन चुका है। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। इसे इसमें से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इधर जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपसे इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। तो फिर आपसे इधर जो डायरेक्ट माइनक्राफ्ट में ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपसे इधर जो है डायरेक्ट इसे माइनक्राफ्ट में ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो माइनक्राफ्ट ओपन होने लगा है, तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है अपने माइनक्राफ्ट को पहले ओपन हो जाने देना है। सॉलिड तो देखिए हमारा माइनक्राफ्ट भी ओपन हो चुका है, ऊपर में हमारा हो चुका है ये इम्पोर्ट स्टार्टेड। और यहाँ पे देखिए हमारे जो सक्सेसफुल इम्पोर्ट भी हो चुका है। तो आप तो ऐसे जो है सक्सेसफुल ये इम्पोर्ट हो जाएगा। आप तो जब सक्सेसफुल इम्पोर्ट हो जाएगा तो क्या देना, अंदर जो प्ले वाला आइकन है इसमें से क्लिक करना है। प्ले वाला आइकन में क्लिक करने आपको क्रिएट न्यू करना है, फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है। क्रिएट न्यू वर्ल्ड करने से बाद आपको अपने जो है एकदम इस वाले साइड में बिहेवियर पैथ में चले जाना है। बिहेवियर पैथ में जाने के बाद आपको माई पैथ में आते जो इसे एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद आपको अपना जो है वापस गेम्स में आना है। गेम्स वाले सेक्शन में आने के बाद आप इधर जो है शो कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद एक्सपीरियंस में आते हैं आपको जो है हॉलीडे डेटेड फ्यूचर क्रिएशन ऑफ कस्टम बाय एडिशनल मॉबिंग कैपेबिलिटीज जो है ऑन कर देना। ये तीनों को आपको जो है ऑन कर देना है। इस तीनों को ऑन करने आप तो बाद में इसे जो एक्टिवेट चीट्स भी कर देना है। एक्टिवेट चीट्स करने बाद आपको जो है इसे क्रिएट कर देना है। फिर आप वर्ल्ड जो क्रिएट होने लगेगा तो आपको थोड़ी वेट करना है, अपने वर्ल्ड को पहले क्रिएट हो जाने देना है। सॉलिड हमें वर्ल्ड भी जो है क्रिएट हो चुका है। तो आपको जब वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा तो क्या करना है, आपको अपना चैट वाले जो सेक्शन है ओपन करना है। चैट वाले सेक्शन ओपन करने आपसे जो है स्लैश फिर फंक्शन स्लैश फंक्शन फिर आपको लिखना है यूट्यूब यूट्यूब बाद में उनसे तो आता है स्पेस टाइप रहता है उसको आपको लिखता है। नहीं तो लिखना है बॉनी 162 इतना जाने आप तो इधर जो इसे एसेट कर देना है। तो फिर आप तो जो ये जो ओपन हो जाएगा, मतलब अब आप अगर इसमें डैमेज लो दे तो फिर आप तो जो ओपी आइटम्स मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आज वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक कर दीजिएगा। अगले चैनल पे भी आप नया आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे अगले समय बताइए आपको और कौन कौन सा मॉड के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ऑलरेडी तो आज वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।